देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बता दें, दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मरीज मिले। शनिवार को 8582 केस मिले और एक की मौत हुई। वहीं सबसे ज्यादा 2922 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। वहीं बात करें केरल की, तो केरल में 2471 और दिल्ली में 795 केस सामने आए। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 43,128 रही। शनिवार को देश में कुल करीब 3,00,000 कोविड टेस्ट किए गए। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.71% दर्ज किया गया। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.2% दर्ज किया गया। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा अधिक 2,922 कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। यहां बीते दिन 1,392 लोग रिकवर हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,858 है। इससे पहले शनिवार को यहाँ 3,081 नए केस मिले थे। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार तक 195 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं शनिवार को शाम 7 बजे तक 11,00,000 वैक्सीन के डोज लगाए गए।